आप देख रहे हैं 2022 मॉडल होंडा साइन 125। इस बाइक में हुए हैं कुछ अपडेट जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले आप इस बाइक को फ्रंट से देखेंगे तो इसके मॉडल और डिज़ाइन में कोई भी अपडेट नहीं हुआ है। इसके हेडलाइट, वाइजर, सारी चीज़ें वैसी ही हैं, लेकिन आप देखेंगे ध्यान से तो इसमें आपको नया कलर मिलने लगा है जो कि है डिसेंट ब्लू मेटेलिक। इसमें स्टिकर वही लगाए गए हैं लेकिन एक नयापन आपको इसमें लगेगा। बाकी आप इसके वाइजर पर देखेंगे तो क्रोम की प्लेट इस पर लगाई गई है, ब्लू और ये क्रोम, ये काफ़ी अच्छी लग रही है। और बाकी फ्रंट में कोई भी अपडेट नहीं हुआ है दोस्तों। आप यहाँ पर देखेंगे जैसा मैंने आपको SP में दिखाया था वही रबड़ इसमें भी लग के आ रही है। अब इसमें जो सबसे बड़ा अपडेट हुआ है वो ये है कि इसमें आपको साइड स्टैंड कट ऑफ स्विच मिल रही है और इसमें आपको नया कलर मिल रहा है। आप देखेंगे ये डिसेंट ब्लू मेटेलिक कलर है और आप देखेंगे सारी चीज़ें उसी कलर में हैं। इसका साइड पैनल, सारी चीज़ें, यहाँ तक कि आप ग्रैब रेल देखेंगे तो ये सारी चीज़ें उसी ब्लू मेटेलिक कलर में आपको मिल रही हैं। और बाकी आप पीछे का डिज़ाइन देखेंगे बैकलाइट का तो ये सारी चीज़ें इसमें वही मिल रही हैं जो पहले से ही आती थी, रेगुलर वही सारी चीज़ें मिल रही हैं। मैं आपको साइड से दिखाना चाहूँगा इस बाइक को और आप देख सकते हैं एक नयापन आपको इसमें लगेगा इस स्टिकर में, इस कलर में। और बाकी जैसे कि ब्लू और यहाँ पर क्रोम के कुछ पार्ट इस्तेमाल किए गए हैं जिससे बाइक देखने में थोड़ी सी प्रीमियम भी लगे। और बाकी टायर, ये सारी चीज़ें इसमें वही हैं, सस्पेंशन वही है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 8018 का इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो इसमें सबसे बड़ी अपडेट हुई है और वो ये है कि इसमें आपको साइड स्टैंड कट ऑफ स्विच मिलने लगी है और इसके लिए फुटरेस्ट ये पूरा चेंज हुआ है, ये साइड स्टैंड चेंज हुआ है क्योंकि इसका डिज़ाइन बदलना पड़ेगा। यहाँ पर ये साइड स्टैंड कट ऑफ स्विच लगाई गई है, आप देख सकते हैं। जैसे ही ये स्टैंड ऑन रहेगा तो आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी, बंद रहेगी। जब ये बंद रहेगा स्टैंड तो आपकी बाइक स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे 5 गियर के साथ ही ये बाइक आती है। और बाकी इसमें कोई भी अपडेट नहीं हुआ है क्योंकि ये कम कीमत में कम्यूटर श्रेणी की बाइक है। 125 सीसी की कम कीमत वाली ये बाइक है जिसमें आपको माइलेज भी मिले, लंबी सीट भी मिले जिस पर आप आराम से अपने परिवार को लेकर जा सकते हैं, तो इसकी कीमत भी कम रखी गई है। मुझे उम्मीद थी कि इस बाइक में हो सकता है डिजिटल मीटर का अपडेट मिल जाए। और आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे अभी इस बाइक में कनेक्शन नहीं हुआ लेकिन साइड स्टैंड की लाइट का जो ये वार्निंग लाइट होती है यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर ये ऑन हो जाएगा। जैसे ही इसमें बैटरी का कनेक्शन होगा तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। बाकी इसमें आपको एनालॉग मीटर ही मिलता है, इसमें ये फ्यूल मीटर है, ये आपको स्पीड बताएगा। बाकी ये सारी चीज़ें वही हैं, साइलेंट स्टार्ट के साथ ये बाइक आती है, आप यहाँ से साइलेंट स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी इसमें स्विच, ये सारी चीज़ें वही दी गई हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ, लेकिन अब जैसे अगर कोई बहुत बड़ा बदलाव होता तो इसकी प्राइस भी बढ़ जाती, तो इसलिए जो भी काम के अपडेट थे वो होंडा कंपनी ने किए हैं। और इसके प्राइस की हम बात करें तो लगभग 90 से 92 या 93 हज़ार के लगभग आसपास इसकी प्राइस हो सकती है। यहाँ पर मैं कंफर्म प्राइस नहीं बता रहा हूँ, लगभग आपको बता रहा हूँ। अगर आप इसकी कंफर्म प्राइस जानना चाहते हैं तो सरदार होंडा अयोध्या उत्तर प्रदेश बस अड्डे के पास आप यहाँ पर पता कर सकते हैं दोस्तों। और इसकी माइलेज मैंने खुद टेस्ट की हुई है जिसमें मुझे माइलेज मिली है इसकी लगभग 65 की माइलेज मिली है, तो माइलेज भी इस बाइक में मिल जाती है। और मॉडल और डिज़ाइन तो आप लोग देख ही रहे हैं कि कितना अच्छा है। अब ये आपके पसंद के ऊपर है कि आप इसको कितना पसंद करते हैं। और बाकी एक कलर ये है, आप देख सकते हैं ब्लैक, जिस पर ये रेड वाला स्टिकर लगा है। और इसमें भी साइड स्टैंड कट ऑफ स्विच इसमें तो नहीं है, ये पहले वाला मॉडल है। और इसमें एक नया कलर आया है ब्लैक में जो कि अभी यहाँ पर नहीं है, वो मैं बाद में आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये बाइक आपको कैसी लगी, इसका जो अपडेट है वो आपको कैसा लगा, क्या आपको इसमें डिजिटल मीटर का अपडेट चाहिए या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपने इस चैनल को बाइक वन बाइमिन टू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।